सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोटोरोला एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आया है जो अंडर 20,000 रुपीज कैटेगरी में रियलमी और शामी को काफी अच्छे से टक्कर दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला मोटो वन फ्यूजन प्लस के बारे में, जो 17,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। इस डिवाइस को मैं कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस डिवाइस के साथ, विद सम प्रोस एंड कॉन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। सो दैट बिंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस फोन इज मेड इन इंडिया, फ्लेक्सट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो तमिलनाडु बेस्ड है, जो ये फोन को बनाया है मोटोरोला के लिए। सो इट्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया। एक चीज तो जाहिर करने वाला बात है कि ये वाला डिवाइस मोटोरोला डिवाइस के जैसा लगता है, लेनोवो डिवाइस के जैसा नहीं लगता है। बॉक्स के अंदर दिया गया कुछ यूजर मैनुअल एंड वारंटी इन्फॉर्मेशन, सिम इजेक्टर पिन, 15 वाट का टर्बो फास्ट चार्जर और एक डेटा केबल, और आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस जो फोन के साथ ही लगा हुआ रहता है। सबसे जो पहला चीज वो है इसका डिजाइन। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये वाला डिजाइन उतना अपेलिंग मुझे नहीं लगा। इट्स कंप्लीटली मेड आउट ऑफ प्लास्टिक और जब आप इसको पकड़ेंगे तब आपको वो फील आ जाएगा, जी हाँ ये एक प्लास्टिक बिल्ड स्मार्टफोन है। ऐसे बहुत सारे कंपनी से जो लोग स्मार्टफोन बनाती है अंडर 20,000 रुपीज कैटेगरी में, जो लोग ग्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास, वो जनरली फर्स्ट इंप्रेशन में आपको पता नहीं चलता कि ये प्लास्टिक है या फिर ग्लास है, लेकिन यहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा दिस इज मेड आउट ऑफ ए प्लास्टिक। तो वहां पर मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा और ओवरऑल डिजाइन वाइज मुझे ये उतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा। इसका दो कलर अवेलेबल है, व्हाइट एंड दिस इज काइंड ऑफ ए ब्लू, बट व्हाइट कलर मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला, ये कलर बहुत किसी को मिला। द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस डिजाइन इज इसका जो कैमरा डिजाइन, इसका कैमरा डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। मोटोरोला का लोगो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर है वो मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए ठीक ठाक है, मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये काफी शाइनी है और ये बहुत 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 ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और इसके साथ जो बैक कवर है उसका भी क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। ओवरऑल आपको एक सेपरेट बैक कवर खरीद के इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो बैक कवर आया है उसका क्वालिटी उतना हाई ग्रेड नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5000 mAh का बैटरी है लेकिन इसका जो वेट है या फिर इसका जो थिकनेस है ये बहुत मोटा है, काफी भारी है। तो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर और बिल्ड क्वालिटी का देखा जाए मैं उससे उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। आई थिंक मोटोरोला को और थोड़ा पतला और थोड़ा डिजाइन को थोड़ा सा अपेलिंग बना सकता था, बट फॉर द टाइमिंग जो है यही है। डिस्प्ले सीम्स टू बी प्रीटी गुड, 60Hz का डिस्प्ले, लेकिन कभी कभी इतना फास्ट एंड फ्लुएंट है मुझे लगता है शायद 90Hz डाल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ 60Hz डिस्प्ले, 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा है और जैसे यहां पर पॉपअप सेल्फी है तो ऊपर भी कोई कैमरा नहीं है, लेकिन ब्रेजल्स उतना भी कम नहीं है, ऊपर और साइड में थोड़ा सा ज्यादा है और नीचे काफी ज्यादा है ब्रेजल्स। तो ब्रेजल्स के मामले में ऐसा नहीं कि एकदम कम है, ओवरऑल ठीक ठाक है, बट डिस्प्ले क्वालिटी अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज डिस्प्ले काफी अच्छा है। ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में वैसा कुछ इंफॉर्मेशन तो वैसा नहीं दिया है, मेरे पास वैसा कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन है, और मैंने अभी उतना हेविली टेस्ट नहीं किया है स्क्रैच करने का कि इसमें प्रोटेक्शन है कि नहीं, तो अभी तक प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी सीम्स टू बी प्रीटी गुड। सबसे अच्छा चीज इस डिवाइस का लगा व्हिच इज यूजर इंटरफेस। जी हाँ, आपको नियरली ए स्टॉक यूआई देखने को मिलता है और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव है क्योंकि यहां पर कोई भी कस्टम स्किन नहीं है, कस्टम यूआई नहीं है, कोई ब्लोडवेयर मुझे वैसा नहीं देखने को मिला, ऐप खोल रहा है बंद हो रहा है बहुत ही फास्ट, तो ओवरऑल काफी फास्ट एंड स्नैपी एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया मुझे कभी कभी लगता है शायद ये 90Hz का डिस्प्ले है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, इट्स 60Hz डिस्प्ले, लेकिन इतना फास्ट एंड स्नैपी है कभी कभी लगता है यार बहुत स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव मिल रहा है एक्सपीरियंस। तो इसमें आई थिंक बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रियलमी और शाओमी को ये काफी अच्छे से टक्कर देगा और कंप्लीटली उसको बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ यूआई। अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ये डिवाइस आपके लिए पैराडाइज है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच। उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया गया व्हिच इज प्रीटी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर्स अगर देखा जाए और बाकी सभी चीजें अगर देखा जाए इस डिवाइस में भरपूर दिया गया है। बाकी इस बजट में जितने भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल है विद स्नैपड्रैगन 730G उससे इसका अगर परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाए कहीं से भी कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कुछ कुछ सेक्टर्स में, बट मोर और लेस लगभग सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल रियलमी X2 या फिर पोको X2 सबका परफॉर्मेंस इसके साथ ऑलमोस्ट मैच ही होगा, उसमें कुछ ज्यादा अप डाउन का अंतर नहीं। इवन इन टर्म्स ऑफ गेमिंग ऑल्सो मैंने थोड़ा बहुत गेम खेला, गेम परफॉर्मेंस ऑल्सो प्रीटी स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव। तो ओवरऑल डे टू डे लाइफ में या फिर अगर आप थोड़ा बहुत हेवी गेम भी खेलते हैं ये प्रोसेसर आपको लेट डाउन नहीं करेगा, तो इसमें नो डाउट है, बिग थम्स अप। एक काफी अनवांटेड चीज मोटोरोला ने दे दिया वो है एक डेडिकेटेड बटन। जी हाँ, पावर बटन के ऊपर है वॉल्यूम टॉकर्स, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड बटन जिसको बोला जाता है डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट बटन, जिसको क्लिक करने के बाद गूगल वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाता है।
मुझे नहीं लगता इस बटन का कोई भी जरूरत है। कभी कभी तो मैं पावर बटन समझ के भी उसको दबा देता हूँ, जो भी हो, हालांकि वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये मुझे लगता है अननेसेसरी है, ये बटन का जरूरत नहीं है। सबको पता है ओके गूगल बोलने से गूगल वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर होम बटन प्रेस करके रख के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई डेडिकेटली जरूरत है, फिर भी चलो दिया है एड ऑन चीज है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था एक्चुअली। बात करते कैमरा के बारे में, जी हाँ, चार चार कैमरा लगा के रख दिया है, सब कुछ कैमरा है, प्राइमरी सेंसर है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, मैक्रो है, डेप्थ है, सभी कुछ दे दिया। मतलब आजकल के मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को कहीं से भी ऑफ ट्रेंड नहीं किया है मोटोरोला ने, सब कुछ दे दिया है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कैमरा यूआई काफी फास्ट एंड स्नैपी है, और पिक्चर जो कैप्चरिंग स्पीड है, शटर स्पीड है, वो काफी काफी फास्ट है, इंस्टेंटली फोटो सेव हो जाता है, उसमें कोई भी ज्यादा देरी नहीं लगता है। हालांकि मैं उतना ज्यादा अभी तक नहीं एक्सेस किया हो कैमरा मॉड्यूल को, पर थोड़ा बहुत एक्सेस मैंने जितना किया वहां से लगा है, काफी फास्ट एंड स्नैपी है। यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम फुल HD, 4K, 60 FPS में भी आप कर सकते हैं, फुल HD सब कुछ है, टाइमलेस स्लो मोशन है, सभी कुछ है। जैसे आपको सैंपल शॉट्स देख पा रहे, ये मैंने थोड़ी देर पहले उठाया है, हालांकि मैं इसको और भी टेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैमरा परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, क्योंकि इतना जल्दी तो किसी के ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं है। फॉर द टाइमिंग कैमरा परफॉर्मेंस सीम्स टू बी प्रीटी गुड। फीचर्स के बारे में देखना पड़ेगा कितना फास्ट है और क्या क्या फीचर्स उन्होंने दिया है, और अगर क्लैरिटी के मामले में देखा जाए, मुझे ओवरऑल क्लैरिटी काफ़ी अच्छा लगा, जो चीज़ मैंने बताया पहली, शटर स्पीड काफ़ी अच्छा है। सो थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, एक्चुअली कैमरा रिव्यू जब डेडिकेटेड बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैमरा परफॉर्मेंस इसका कैसा है, फॉर द टाइमिंग ठीक ठाक लगा है। तो ये है रियर कैमरा, रियर कैमरा से आप फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और भी अलग अलग है, ये आपका फुल HD 30 FPS है। सो स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइव व्यू एज कंसर्न, नो डाउट काफ़ी स्टेबल लग रहा है वीडियो। मैं थोड़ा बहुत एक बार CV से उतर के देखता हूँ कैसा लगता है। सो वीडियो लुक्स प्रीटी स्टेबल, सो कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा अगर आप रियर कैमरा से लेते हैं। तो ये है सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा से आप फुल HD में वीडियो ले सकते हैं। आज का वेदर काफ़ी बढ़िया है कोलकाता का, थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी बारिश हुआ है एक्चुअली, काफ़ी खुशनुमा वेदर है, और अभी शाम का टाइम होने को है, और अगर आप डेलाइट में वीडियो लेते हैं कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा, स्टेबलाइजेशन जैसे आप देख पा रहे हो, और साउंड जो रिकॉर्डिंग हो रहा है विच इज़ फ्रॉम द इंटरनल माइक्रोफोन, तो कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा फ्रॉम द सेल्फी कैमरा। बात करते हैं बैटरी के बारे में, 5000 mAh का बैटरी दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 W का फास्ट चार्जिंग है, टर्बो चार्जिंग है एक्चुअली। मेरा एक दोस्त है, उसने इसका डेडिकेटेड एक रिव्यू किया है, विच इज़ ए चार्जिंग टेस्ट, जो है RJ Technical, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्होंने भी बताया है कि इसको चार्ज करने में लगभग 2 घंटा 20 मिनट के आसपास लग जाता है, जो काफ़ी टाइम है। आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 घंटा 20 मिनट फास्ट चार्जिंग में तो कंसिडर नहीं होता, और इस बजट रेंज में जो अदर कॉम्पिटिटर है वो लोग लगभग 27-30 W चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है मोटोरोला थोड़ा बहुत लैगी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कोई भी फास्ट चार्जर से इस डिवाइस को चार्ज करना और देखना कैसा क्या ये परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करता है कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्टे ट्यून करना पड़ेगा। सो ओवरऑल चार्जिंग स्पीड के लिए थम्स डाउन है, उतना फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए दिस इज टॉप नॉच। 5000 mAh का बैटरी है तो 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इवन मैंने राहुल से भी बात की, इसमें वैसा कुछ हीटिंग इशू भी आपको नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल नो डाउट थम्स अप फॉर दैट। सो अभी आते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, अभी तक अगर देखा जाए 17,000 rupees में मोटोरोला का ये काफी अच्छा काउंटर अटैक है, क्योंकि इस बजट रेंज में Xiaomi और Realme छोड़ के मोटोरोला जो भी स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया वैसा स्पेसिफिकेशन सैमसंग या फिर दूसरे ब्रांड्स लॉन्च नहीं कर रहे। 730G काफी एक अच्छा प्रोसेसर है, 17,000 rupees में मिल रहा है, उसके साथ साथ बाकी सभी कुछ दे दिया है, तो ये चीज मुझे लगता है मोटोरोला काफी एक अच्छा काम किया है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, विच इज यहाँ पर हाइब्रिड सिम कार्ड सोल्यूशन दिया गया, मतलब 2 सिम या फिर 1 सिम में मेमोरी कार्ड एट ए टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुझे लगता है बजट कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत लेट डाउन है, क्योंकि हम लोग हमेशा जाते हैं डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट स्पेशली इन इंडिया, तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा चूक है। हालांकि 6GB रैम 128GB रोम दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ द लोगों को उतना फर्क पड़ेगा, और अगर आप सिंगल सिम इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेमोरी कार्ड लगा के अपने मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल सीम्स अगर देखा जाए, फर्स्ट इंप्रेशन मुझे इस डिवाइस का काफी अच्छा लगा। हाँ कुछ कुछ चीज मुझे फ्लो लगा है, वो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी बताऊंगा इसको जब मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग मुझे काफी अच्छा लगा। डिवाइस मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड भी तमिलनाडु में हुआ, तो वो एक अच्छा चीज है। और ओवरऑल मुझे लगता है रियलमी और Xiaomi को ये वाला डिवाइस काफी जबरदस्त टक्कर देने वाला है। तो आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको इस डिवाइस रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेना है डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लैश Dad of 15, और इस डिवाइस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dad, आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।